अस्सलाम वालेकुम जी। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिरा कुकिंग व्लॉग्स। तो आज हम बना रहे हैं लोबिया कीमा, और मैंने यहाँ पे एक प्याज मीडियम साइज़ का और दो टमाटर और हरी मिर्चें और यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के जो है वो ग्राइंड कर लिया था। यहाँ पे हम अपनी स्पाइसेस हमारी देख लें, हल्दी, नमक, लाल मिर्च, दादरी मिर्च और सूखा धनिया, ये इसके अंदर जाएगा। और यहाँ पर हमारा गर्म मसाला जाएगा, दो बड़ी इलायचियाँ, एक फूल और एक दालचीनी का पीस, और उसके बाद इसके अंदर जाएगा ज़ीरा और साबुत काली मिर्च। तो यहाँ पे हमने अपना ऑयल ऐड किया, इसके अंदर अपना गरम मसाला ऐड कर लिया है, और यहाँ पे जैसे ही वो थोड़ा सा फ्राई होने लगेगा तो हम इसके अंदर अपना मिक्सचर ऐड कर देंगे जो हमने ब्लेंड किया था। तो इसको हम अच्छी तरह थोड़ा सा भून के इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपने स्पाइसेस। तो यहाँ पे जो है हमने अपने स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने ऐड किया है अपना मटन कीमा। अगर आपके पास बीफ है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसकी थोड़ी सी करेंगे बुनाई, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे वाटर, और वाटर ऐड करने के बाद हम 20 से 25 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम के ऊपर रख देंगे ताकि जो हमारा कीमा है वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाए, और दूसरी तरफ जो है हमारा लोबिया ये भी बॉयल हो जाएगा लो फ्लेम पर। तो यहाँ पर जो है हमारा लोबिया बॉयल हो रहा है, तो इस व्लॉग को आपने एंड तक लाजमी देखना है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये प्यार होता है हमारे लिए मोहब्बत होती है। तो जो है आप प्लीज़ लाजमी लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। तो जी, इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, इस रेसिपी को आपने एंड तक देखना है। तो यहाँ पर हमने अपना वाटर ऐड कर दिया है, और अब हम जो है इसको पकने के लिए रख देंगे। और जी, ये लाहौर का जो वेदर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मोक पड़ रही है, दो तीन दिन से बहुत सर्दी पड़ रही है। तो ये आपको कुछ नज़र आ ही रहा होगा कि जो स्मोक है ये कैसे पड़ रही है, और यहाँ पे फुल मड़ी टाइप का माहौल बना हुआ है। हाँ जी, तो यहाँ पे हमने जो अपनी दही है वो ऐड कर दिया थोड़ी, और इसको हम कीमे को भून लेंगे, और भूनने के बाद जो है हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपना लोबिया, और थोड़ा सा वाटर ऐड करके हम लोग इसको लो फ्लेम के ऊपर दम पे रख देंगे, क्योंकि हमें चाहिए रस्मी सा टाइप का जो सालन है वो। और अगर आपको जो है खुश्क चाहिए तो फिर आप जो है इसके अंदर पानी ऐड नहीं कीजिएगा। तो जी, ये लीजिए हमारा मज़ेदार सा सालन रेडी है, और हम इसको खाएंगे घर की रोटियों के साथ। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, हाफिज़। और अपनी हाथ दुआओं में याद रखिएगा, बाय।